हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट तो सिर्फ एक हथनीकुंड बैराज है, जो पानी उसमें स्टोर नहीं होता, पानी को कंट्रोल करके एक पोजीशन पे और उसको नीचे डाइवर्ट कर दिया जाता है उसी समय। वैसे आने वाले उसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं डैम्स के, छोटे छोटे हमारे पास 8 डैम्स हैं पाइपलाइन में, जिनके कुछ की हमारी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी हमारे पास आ गई है 5 की, और उन पर काम चल रहा है। और एक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है जो सीएम साहब ने कहा हथनीकुंड बैराज का, जो हथनीकुंड बैराज से 4.5 किलोमीटर ऊपर बनेगा, वो यदि डैम बन जाता है तो हरियाणा को पूरा, हरियाणा पंजाब राजस्थान सबको पूरा बेनिफिट होगा और फ्लड का भी उससे इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। हमारा हरियाणा का तो हथनीकुंड बैराज से वेस्टर्न जमुना कैनाल हमने बनाई हुई है, तो हम उसके थ्रू पानी अपना मूनक हेड तक लेके जाते हैं करनाल, वहाँ से आगे डाइवर्ट हो जाता है इधर साउथ हरियाणा में और नीचे और दूसरे पर। नहीं, WJC से तो आगे तो सभी जगह अलग अलग सिस्टम है। हमारे पास तो जो सिर्फ 6 चैनल्स हैं छोटी, यमुनानगर सर्कल की यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ 6 छोटी चैनल है वो इसमें से। WJC में अभी हमारी जो पानी लेने की क्षमता है वो हमारी 17,500 क्यूसेक की है, और अभी जो हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव हो गए हैं, उसके बाद ये हमारी क्षमता 23,500-24,000 क्यूसेक की हो जाएगी। नहीं, दादूपुर में भी स्टोरेज नहीं है जी, दादूपुर में जो पानी आता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो WJC को उसकी क्षमता के अनुसार चला लेते हैं, बाकी पानी हमें सोम रिवर में निकाल देते हैं वहाँ से। ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, जितना भी एक तो हमारा रूटीन का हर साल का O&M का बजट होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का हर चैनल्स का, उस पर जो हमारे को जितना लगता है उसके हिसाब से एस्टिमेट बन के टेंडर कॉल करके वो काम करा लिया जाता है। अभी तो इस साल जो हमारा बजट है WJC में पूरे सर्कल का, हमारे पास 3.5 करोड़ रुपए हैं, जिसमें पूरी WJC हथनीकुंड बैराज से लेकर हमारी अप टू धनौरा हेड तक वो सारी चैनल आ गई, और जितनी हमारी चैनल्स हैं वो आ गई, और कोई भी काम हमें करवाना WJC हेड के अंदर वो 3.5 करोड़ का बजट है। नहीं, पटड़ी के काम पे तो ऐसा नहीं है, हमारे फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स है, टोटल सोम पथराला और जो यमुना के हमारे इस बार 22 काम अप्रूव हुए थे जो 13 करोड़ रुपए के थे टोटल, जिसमें यमुना में तकरीबन 4 करोड़ के करीब है, बाकी सोम और पथराला पे है। सर, इनमें कितना वर्क पूरा हो चुका है अभी तक फिलहाल? इसमें हमारे 22 काम में से अभी 17 काम पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो चुका है 100%, 5 इन प्रोग्रेस है, कोई 2 दिन में या 4 दिन में 30 से पहले हमारे सभी काम खत्म हो जाए, यानी बरसात के मौसम से पहले पहले ये काम सब खत्म हो जाए।